हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आपको मूलधन दिया हो, दर दिया हो और समय दिया हो तो आप उसका ब्याज कैसे निकालेंगे, वह आज हम बताएंगे। यदि आपको समय 2 साल का दिया हो या 1.5 साल का दिया हो या 2.5 साल का दिया हो तो इस तरह के सवाल को हम एक ही फार्मूला से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाएं जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ देखिए 8,000 रुपया का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी आपको इसमें मूलधन दिया है 8,000 रुपया और ब्याज के जो दर है वो 10% है और समय दिया है 2 वर्ष। कहते हैं 10% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, इसका मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है, सबसे पहले इसका मूलधन लिख लेंगे हम। देखिए यहाँ पर इसका मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 8,000 रुपया। मूलधन 8,000 दिया, इसके बाद दर कितना दिया है 10%, दर दिया है 10%। इसके बाद समय, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। समय दिया है 2 वर्ष तो हमको निकालना क्या है, ब्याज निकालना। ब्याज निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इसको मिश्रधन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ मिश्रधन एक सूत्र से, सूत्र से हम पहले इसको मिश्रधन निकाल लेंगे। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुने 100 प्लस दर बटा में होता है 100। यही आपका फार्मूला है, गुने यहाँ पर लिख देंगे हम डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से क्या होगा, देखो जितना आपका अगर समय जितना बार रहेगा ना उतना बार आप 100 प्लस दर बटा 100 करते जाएंगे। अगर समय आपका 1 साल का रहेगा तो 100 प्लस दर बटा 100, अगर 2 साल का रहेगा तो फिर यहाँ लिखेंगे 100 प्लस दर बटा 100 बटा, अगर 3 साल का रहेगा तो फिर 3 बार लिखेंगे, अगर 4 साल का है 4 बार लिखेंगे, अगर 2 साल का है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। यही आपका फार्मूला हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, आपका मूलधन कितना दिया है 8,000, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 8,000 गुने 100 के 100 लिखेंगे। अब दर कितना दिया है, दर दिया है 10%, तो यहाँ लिख लेंगे हम 10, अब बटा में लिखेंगे हम 100। तो यहाँ पर देखिए समय कितना बार दिया है, 2 बार दिया है, इसको हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। अगर समय आपको 3 बार आएगा तो यहाँ इसको 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर 100 प्लस 10 फिर बटा में हो जाएगा 100, यह 2 बार हो गया। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेंगे हम 8,000 गुने, डायरेक्ट हम इसको 100 प्लस दर 10% तो 110 लिख सकते हैं, 110 यहाँ दोनों जोड़ेंगे तो 110 बटा क्या हो जाएगा 100, फिर गुणे हो जाएगा यहाँ पर 110 बटा हो जाएगा 100। अब इसको देखिए काटेंगे हम, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट गया, यह 0 से फिर यह 0 कट गया, फिर ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए गुना करेंगे तो यह 11 में 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा 121 होगा, 121 और यहाँ हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 121 0 और गुने कितना हो जाएगा 8। इसको गुना करेंगे तो यहाँ देखो 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 0 के 0 हो जाएगा, 8 इकाई 8 होगा, फिर 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा हासिल, यानी 9,680 रुपया हो गया। यह क्या हो गया, इसका क्या हो गया मिश्रधन, क्योंकि हम मिश्रधन पहले निकाले तब हमको ब्याज निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम ब्याज के फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पर। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन, मिश्रधन और माइनस क्या होता है मूलधन। तो देखिए मिश्रधन माइनस क्या होता है, मूलधन होता है, तो ब्याज का फॉर्मूला मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन मेरा कितना निकला 9,680 रुपया
और जबकि मेरा मूलधन कितना दिया है यहाँ 8000, तो इसमें से क्या करेंगे हम 8000 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ देखिए जीरो का जीरो हो जाएगा, आठ में से जीरो गया तो कितना होगा आठ होगा, यहाँ आठ हो जाएगा। फिर यहाँ देखो छः में से जीरो जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा छः, और नौ में से आठ गया तो एक, यानी 1680 रुपया मेरा क्या निकला, इसका ब्याज निकल गया। तो यही मेरा क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मिश्रधन निकाल लेते हैं, मिश्रधन निकाल लेंगे और बाद में क्या करते हैं, ब्याज बराबर फॉर्मूला मालूम है कि मिश्रधन माइनस क्या होता है मूलधन होता है, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे तो ब्याज निकल जाएगा। इससे हमको क्या होता है आसान होता है। तो मिश्रधन के फॉर्मूला होता है मूलधन गुने 100 प्लस दर बटा 100, यहाँ पर समय जितना बार दिया रहेगा उतना बार 100 प्लस दर बटा 100 करते जाएंगे। इसी तरह हम क्या करते हैं यहाँ इसको डॉट डॉट दे दिए, अगर समय आपका दो बार आएगा तो इसको दो बार लिखेंगे, अगर तीन बार आएंगे तो तीन बार लचाएंगे, ठीक है। जितना बार समय दिया रहेगा उतना बार इसको लिखना पड़ेगा।